While several people have left Gurugram city out of fear because of the communal violence in Gurugram, some people who are still living here are living in fear. We are joined by some of these people and let's understand from them what they are facing. Sir, aap pehle bataiye, aap kya kaam karte hain? Main yahan housekeeping supervisor karta hoon. Housekeeping supervisor. To kitne log aapke under kaam karte hain? 30. तो अभी जब से ये माहौल ऐसा चल रहा है कल से, क्या वो 30 लोग काम पे आ रहे हैं? नहीं, 3 लेडीज एक लड़का आया बस, बाकी सारा घर पे ही है, रूम पे। तो कोई काम पे नहीं आया? कोई काम पे नहीं आया। 30 हाउसकीपर्स आपके अंडर हैं, 30 में से कोई भी काम? 4 आया, 4, 3 लोकल है, 3 लेडीज लोकल गए, वही आया बस, बाकी कोई नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहे हैं, किस बात का डर लगा? वही कल हमारा एक हाउसकीपिंग को मारा था वहाँ पे रास्ते पे, वो गाड़ी लेके जा रहा था, उससे नाम पूछा, नाम पूछ के नाम बताया, आगे आगे एक बात भी नहीं बोला, सीधा मार चालू हो गया। वो हमारा जो क्या हुआ उनके साथ, उन्हें पीटा गया? हाँ, उनको पीटा गया। उसके बाद हमारे स्टाफ को फोन किया था, वो आया, तब से ये लोग मार के निकल गया। उसके बाद लेके गया था हमारा ऑफिस में, वहाँ पर जाके मलहम पट्टी लगाया, लगाने के बाद गाड़ी लेके आया था, आके ही छोड़ के फिर चला गया उन लोगों ने। तो क्या वो चले गए हैं? आप वो अभी चला गया, आज सुबह निकल गया गांव बंगाल। अच्छा, छोड़ दिया उन्होंने ये जगह। तो आप लोग भी क्या फेस कर रहे हैं, मतलब क्या कोई डर? हम लोग का भी वही डर है, अगर हम लोग रास्ते में निकलेंगे अगर कोई आके फिर मारेगा पीटेगा, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का गाँव तो बहुत दूर है, बंगाल का है, वही दिक्कत है, इसी चीज के डर लग रहा है बहुत। अगर निकलेंगे अगर कोई रास्ते में पकड़ के मारेगा तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, तो बाहर निकलने से डर लग रहा है। इसके लिए कुछ अगर आप लोग कुछ मदद कर सकते तो जी, ये होगा हमारे लिए जी। आप भी बताइए मैडम कि क्या आपने भी आसपास कुछ देखा है, क्या कोई लोगों ने धमकी दी है यहाँ आकर? नहीं, धमकी नहीं दिए हम लोग को, आके सिर्फ बताया और रूम मालिक को जो आपका रूम पे है सारी को खाली कर, जो मुस्लिम बोला कि जो मुस्लिम है उसको खाली कर दो जल्दी। कितने लोगों ने आके बोला ये? 50-60 जन आया था। 50-60 लोग? हाँ। कितने दिनों में खाली करने को बोला? दो दिन के अंदर अंदर खाली करते। और कल आए थे? हाँ, कल शाम को आए थे 7 बजे। अच्छा, तो सारे लोग तो चला ही गए, हम लोग 15-16 आदमी घर है ये बचा हुआ है। कितने घर हैं यहाँ पर? सिर्फ 100 का ज्यादा होगी। और अब कितने फैमिलीज बची हैं यहाँ पर? 15-16 आदमी है, 15-16 परिवार बचे हैं, 100 परिवारों में से 15-16 बच्चे चले गए। तो आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, डर का माहौल है? अगर आप पैसा नहीं है हाथ में जाने के लिए, किराए भी नहीं है, कैसे जाएंगे? खाना रास्ता में खाना पीना चाहिए, बहुत पैसा भी चाहिए, तो कैसे जाएंगे हम लोग, इसीलिए तो इधर ही पड़ा हुआ है। क्या काम करती हैं? खाना बनाती हूँ कुटी में। परिवार में कितने लोग हैं? मेरा परिवार में हम लोग 6 लोग है, इधर बच्चा है एक छोटा वाला, मेरा 2 लड़का है, मेरा हस्बैंड है, मेरा बहू भी है लड़का का, मैं भी हूँ जी, मेरा एक पोता भी है, बच्चा भी। हाँ, आप भी बताइए सर कि क्या आपकी उम्मीद रहेगी सरकार से, कि किस तरह से वो आपको आश्वासन दें, क्योंकि सरकार कह रही है कि अब मामला ठीक हो रहा है, शांति हो रही है। मैम, हम लोग बंगाल से आए हुए हैं, कमाने खाने के लिए आए हैं, हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी के साथ हम मारपीट करने नहीं है। हमारा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, यहाँ का जितना लोकल बंदा है, हिंदू मुसलमान मिलके सरकार को, यहाँ का प्रशासन को, हम लोग बाहर से आए हुए, हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाने आए हैं, तो हम लोगों को सुरक्षित करे ये यहाँ का सरकार एवं पुलिस, क्योंकि हम लोग यहाँ हमारा कोई नहीं है। अगर हमको डर सा लगा रहता है, अगर कोई रात में आके हमको पीट देगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन बचाएगा, कौन हॉस्पिटल ले जाएगा? इसीलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन करती है यहाँ का प्रशासन को, पुलिस को, जो हम लोगों को सेफ्टी दे। तो क्या आप छोड़ के जाना चाहते हैं गुड़गांव? नहीं, हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हम नया आए हैं, पैसा भी नहीं किराए के आप जाने के लिए, हम शुरू में काम में 1 महीना भी नहीं हुआ, तो अभी सैलरी भी हम लोगों को नहीं मिला, हम खाएंगे इतना दिन से लाला का दुकान में उधार खा रहे, अब जाना पड़ेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, ट्रेन का किराया लगेगा, वो भी पैसा नहीं है, जिसका पास पैसा था वो लोग चला गया, हमारा पास पैसा नहीं, हम पड़ा हुआ है। तो अभी आप लोग काम पे भी नहीं जा रहे हैं? नहीं नहीं, कल 1 बजे हम आ गया कंपनी से और नहीं जा पाए, रास्ते में बहुत डर सा लगा रहता है, कोई कहाँ से मारेगा पीटेगा, किसी को पहचान नहीं है हमको यहाँ,
यही में हमारा दिक्कत। तो बहुत से आप लोग रोज कमाने खाने वाले भी हैं, तो अब जब काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो घर में जरूरी सामान कैसे आ पा रहा है? अभी तो फिलहाल बहुत हाल खराब है हमारा, अगर ऐसे हमारा खाने पीने और दो चार दिन ऐसे चलेगा तो हम लोगों को भूखा रहना पड़ेगा, ऐसे हालत हो गया हमारा, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, लेबर हैं, हम डेली काम करते हैं, डेली पैसा मिलते हैं, आप क्या करेंगे हमारे? तो हमारा एक ही निवेदन है, हम लोगों को सुरक्षित यहाँ रहने दे या हमको बंगाल जाने का व्यवस्था। क्या रात को और डर लगता है? बहुत डर, रात में इतना डर लगा रहता है, अगर कोई आएगा ना क्या होगा क्या पता मैं, अगर रात में हम लोगों को कोई पीट, हाँ सो रहे पीट पाट के चला जाए क्या करे, नहीं बहुत डर लगता है। यही हमारा निवेदन है, हम लोगों को सुरक्षित दे यहाँ का पुलिस। तो रात को सोना भी मुश्किल होता होगा मैडम? हम नहीं सोने हैं हम लोग, सारा रात में हम लोग तो दो रात से हो रहा है सोने नहीं पा रहे हैं, हम लोग कैसे सोएंगे? बच्चा बच्चा ऐसे तो पड़ा रहेगा फिर घर पे, तो फिर छेड़ेंगे फिर मार देगा, ऐसे कोई बैठे रहना पड़ता है। ये देखिए आप सारे लोग हैं यहाँ पे, ये तो हमारा तो कोई नहीं है इधर, तो हम लोग तो तुम लोग को देखना ही है हम लोग को, हम लोग तो बाहर से आए हैं पैसा कमाने, फिर आके तो इधर बहुत नसमत में पड़ गया, ज़्यादा दिन नहीं हुआ हमारा, हम लोग नया नया आए हैं। तो आप कुछ बता रहे थे कि कैसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं उनसे, मतलब उनको पीटते भी हैं, आप बता रहे थे। आप कितने साल के? मैं अभी 25 साल का हो रहा हूँ, मेरा शादी भी हो गया, मेरा एक बच्चा भी 1 साल का, तो हम गांव से आए हुए करीब 7 दिन हो गए, तो आए पैसा भी नहीं अभी घर जाने का, तो कल कुछ भाई साहब आए थे लोकल भाई साहब, हमको बोला कि यहाँ से चले जा, जो मुस्लिम है तुम लोग चले जाओ, तो हम तो नहीं जा सकते, हमारे पास पैसा नहीं जाने का, और अभी दुकान में उधारी में चल रहे हैं, और अभी जाएंगे तो घर में क्या खाएंगे वो भी टेंशन है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। तो गुजारिश है आप सबसे, यहाँ से सरकार से और जितने भी लोकल सर भाई हमारा बंधु है, सबसे हमारा निवेदन है कि हम लोग को सुरक्षित रखें, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है, हमारा कुछ हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं है, लेकिन छोटा बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज़, और हम लोग को थोड़ा मदद कीजिए आप लोग, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, हम बहुत तकलीफ़ से आए घर से, घर में हमारा बहुत कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है ज़्यादा, तो कमाने खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अभी 2 दिन से बैठे हैं, अभी 2 दिन से हाँ पैसा भी नहीं है कुछ भी, अभी तो पैसा नहीं मिला काम का, काम करेंगे फिर मिलेगा, तो यही सबसे हमारा निवेदन है प्लीज़ हम लोग को मदद कीजिए, हम लोग को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आप सभी का। That's the appeal for peace that the people here are making. They've had sleepless nights for the last 2 nights, and they fear that if the situation continues, they might have to even go hungry because they're not able to go out to work out of fear that they might be beaten up or they might be attacked. In Haryana's Gurugram, with camera person Manoj Thakur, Priyanshi Sharma for NDTV.